आज हम आपको सिखाएंगे इडली कैसे बनाया जाता है। ये गिलास है, हम एक दो गिलास अरवा चावल ले रहे हैं, दो गिलास अरवा चावल लेंगे। उसके बाद ये उड़द दाल बोलते हैं इसको, उड़द या उड़द दाल बोलते हैं। तो इसे एक गिलास हम लेंगे उड़द दाल। ये देखिए, इसमें हम डाल देंगे और इसको 8 से 10 घंटे के लिए फूलने दे देंगे पानी में डाल के। देखिए, हम इसको फूलने के लिए दे दिए हैं। अब इसको हम शाम को 7 या 8 बजे तक इसको पीस लेंगे। अभी भी टाइम हो रहा है मेरा, 10 बज रहा है अभी टाइम। शाम को 7 या 8 बजे तक इसको पीस लेंगे। उड़द दाल और अरवा चावल जो फूलने दिए थे उसको इस टाइप से ग्राइंड कर लिए, इसमें पीस लिए और इसको इसमें डाल देते हैं। देखिए, पहले थोड़ा पीस चुके थे और इसको देखिए इतना पतला रखिएगा और रात भर छोड़ दीजिएगा। देखिए, हम सुबह दिए थे फूलने के लिए, अभी इस टाइम में पीसें इसको और उसके बाद हम इसको सुबह बनाएंगे। इसमें हम बेकिंग पाउडर मिला देंगे, इतना है मेरा पीसा हुआ, इतना पीसें उसमें इतना मिला देंगे। मिलाने के बाद रात भर हम इसको छोड़ देंगे। इस टाइप से करके तेल आप लगा लीजिएगा सरसों तेल। मेरे 3 खाने वाले बर्तन हैं, देखिए, और इसको इसमें डाल लीजिए। हम तो 1 खानी निकाल चुके हैं, इसको इस तरह से डाल दीजिएगा। तेल लगाने से यह होगा कि मतलब आराम से इसको निकालिएगा, चम्मच से आराम से निकल जाएगा। स्टीम में डाल के सिझाना पड़ेगा, देखिएगा। पानी डाल लीजिए, जब पानी उबल जाएगा तो इसको डालिएगा। इसको देखिए इस तरह से इसमें बैठा लीजिएगा, इसको बैठ जाए तो उसके बाद आप इससे ढक दीजिएगा और बीच बीच में इसको खोल के चेक कर लीजिएगा, हाथ से छू कर देख लीजिएगा कि हुआ है कि नहीं। हम इसको एक बार चेक कर लेंगे हुआ है कि नहीं, इस तरह से छू के देख लीजिएगा, लगभग होने ही वाला है। और इसको छूने से पहले हाथ जरूर वॉश कर लीजिएगा, हैंड वॉश से आप तभी छूएगा, अभी लगभग होने वाला है कि मेरा इडली हो चुका है। हम निकाल लिए हैं, अब इसको इससे निकाल लेंगे, चम्मच से निकालेंगे क्योंकि ये बहुत हीट है अभी, इसलिए चम्मच से निकाल लेंगे। देखिए, हमारा इडली हो चुका है, हम निकाल लिए। इस टाइप से आपका निकलेगा इडली। उसमें मूँगफली को भूंज लीजिएगा और उसके ऊपर से इस तरह करके इसका चट पूरा निकाल लीजिएगा। उसके बाद ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लीजिएगा, पीस लीजिएगा। जब पूरी तरह से अच्छी तरह से पीस जाए उसके चटनी बनाते समय हम आपको वीडियो दिखाएंगे। ये देखिए, हमारा जो मूँगफली था उसको हम पीस लिए। इस टाइप से पूरा पीस के पतला कर लीजिएगा, हल्का पानी मिला दीजिएगा इसमें, उसके बाद कढ़ाई में डालेंगे हम लोग। देखिए, हमने चटनी के लिए ये पचफोरन है, पचफोरन लिए, जीरा लिए, ये आपका कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता लिए, और ये हल्दी है और मिर्ची पाउडर है और ये सूखा मिर्च है। अब चटनी में छुपा मारते समय हमेशा मस्टर्ड ऑयल लीजिएगा। हमने मस्टर्ड ऑयल ले लिया अपनी चटनी का अनुसार। सबसे पहले हम कड़ी पत्ता डालेंगे, लगभग हो गया इसलिए हम डाल देते हैं इसको, ये हो जाए। उसके बाद हम ये डालेंगे चटनी जो पीसे थे मूँगफली का, उसको हम ये डाल देंगे जो मिर्ची पाउडर और हल्दी लिए थे। देखिए, हो चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे ये जो पीसे थे मूँगफली का। अब इसको चम्मच या छोड़ने से किसी तरह से इसे भी मिला दीजिएगा। अब चटनी में नमक आप स्वाद अनुसार डालिएगा, आपका जितना चटनी है उसके अनुसार नमक डाल दीजिएगा इसमें। अब इसको आप चला लीजिएगा किसी चीज से। देखिए, हमारा चटनी लगभग रेडी है। जब चटनी इस टाइप से खोलने लगे तब इसको आप गैस बंद कर दीजिएगा,
इसको ठंडा होने के लिए दे दीजिए। हमारा इडली रेडी हो चुका है, अब हम चले इसको खाने के लिए। अब बाहर का चीज़ जितना कम से कम खाए उतना अच्छा है आप लोग के लिए।